नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। क्रेडिट डेबिट कार्ड के लिए एक नया नियम लागू होने जा रहा है, जहां 1 जुलाई से पेमेंट एग्रीगेटर, पेमेंट गेटवे या फिर मर्चेंट अपने ग्राहकों का डेबिट और क्रेडिट कार्ड का डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे। ये नियम 1 जुलाई से लागू होगा। पहले ये 1 जनवरी 2022 से लागू होना था, लेकिन RBI ने कार्ड टोकनाइजेशन डेडलाइन को 30 जून तक बढ़ा दिया था। तो वहीं अब 30 जून के बाद सभी ऑनलाइन पोर्टल से लेकर ट्रेडर्स को कस्टमर के डेबिट क्रेडिट कार्ड का डाटा डिलीट करना होगा। इसके बाद ग्राहक को 1 जुलाई से ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या किसी OTT प्लेटफॉर्म का रिचार्ज करना हो तो हर ट्रांजैक्शन पर 16 डिजिट का डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू को टाइप करना होगा। बता दें कि देश में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। इससे ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी और साइबर अपराध भी कम होंगे। ये नियम 1 जुलाई से लागू होगा। 30 जून के बाद सभी ऑनलाइन पोर्टल से लेकर ट्रेडर्स को कस्टमर के डेबिट क्रेडिट कार्ड का डाटा डिलीट करना होगा। बैंकों ने अपने ग्राहकों को इन बदलावों के बारे में भी बताना शुरू कर दिया है। मौजूदा नियम के मुताबिक 16 डिजिट कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपायरी डेट, CVV और OTP के आधार पर लेन देन के ट्रांजैक्शन को पूरा किया जाता है। टोकनाइजेशन वास्तविक कार्ड नंबर को एक वैकल्पिक कोड के साथ बदलने की क्षमता रखता है, जिसे टोकन कहा जाता है। RBI के अनुसार टोकन युक्त कार्ड लेन देन को सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन के दौरान कार्ड डिटेल्स मर्चेंट के साथ साझा नहीं किया जाता है। इसमें कस्टमर्स के कार्ड का डिटेल सेव नहीं किया जा सकता। RBI के मुताबिक टोकन को वापस वास्तविक कार्ड विवरण में बदलने को डी टोकनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। तो वहीं ग्राहक को इस सेवा का लाभ उठाने के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। तो फिलहाल आज के इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज।